जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जय अगम स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्लांट टू सेव द टू डिस्ट्रॉय में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 96। और इस एक्सरसाइज में हम ऐसे वाक्य पर विचार करेंगे जिनमें मुख्यतः दो क्रिया होती है। अब जो मुख्य क्रिया होगी उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर लेंगे और जो दूसरी क्रिया होगी उसमें वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव में बदल देंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्फिनिटिव का अर्थ ही होता है कि साधारण क्रिया। अब जिस वर्ब के पहले टू लग गया तो आप समझ लो कि ये साधारण क्रिया है, ये मुख्य क्रिया नहीं है। अब इस चीज को हम समझने के लिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मोहन पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पर दो वर्ब है, पहला कि पढ़ना और दूसरा चाहता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मुख्य क्रिया होगी उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया मेन वर्ब आपका ये चाहता है, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है। तो सबसे पहले मोहन, ये क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो मोहन। अब मोहन क्या है, चाहता है, तो चाहना का इंग्लिश होता है वांट। अब ये मोहन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है तो वांट में एस लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मुख्य क्रिया होगी मेन वर्ब होगा उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इसलिए मोहन चाहता है, मोहन वांट्स। अब ये जो पढ़ना है ये सेकंड वर्ब हो गया, तो इसका अनुवाद हम वर्ब के पहले सिर्फ टू लगा के कर देना है, मोहन वांट्स टू रीड। अब इस रीड के पहले ये जो टू लग गया है इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो पढ़ना है ये साधारण क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। जो मुख्य क्रिया है वो है वांट्स, यानी कि चाहता है, मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन वांट्स टू रीड। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला ट्रांसलेशन है मैं जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे आई। अब चाहता हूँ ये मुख्य वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है ये चाहता हूँ, तो आई वांट। अब जाना चाहता हूँ, यहाँ पे जाना क्या है, ये दूसरी क्रिया है, इसको साधारण क्रिया में बदल देंगे टू गो। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। तुम खेलना चाहते हो, यहाँ पर चाहते हो ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो तुम का यू, अब चाहते हो वांट, खेलना चाहते हो, ये साधारण क्रिया में इसको बदल देंगे तो यू वांट टू प्ले। गीता गाना चाहती है, गीता वांट्स टू सिंग। मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूं, यहां पे पसंद करता हूं ये है मेन वर्ब है, यहां पे चाहती है ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो पहले मैं पसंद करता हूं, तो आई लाइक। अब दूसरा है कहानियां पढ़ना पसंद करता हूं, तो आई लाइक टू लगा देंगे तो ये साधारण वर्ब में बदल जाएगा, तो रीड कहानियां का स्टोरेज। मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूं, आई लाइक टू रीड स्टोरीज। तुम गेंद खेलना चाहते हो, चाहते हो ये मेन वर्ब है, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे यू, अब चाहते हो तो वांट। अब गेंद खेलना चाहते हो तो यहाँ पे खेलना क्या है, दूसरी क्रिया है, तो इसमें पहले टू लगा के इन्फिनिट में बदल देंगे टू प्ले बॉल। तुम गेंद खेलना चाहते हो, यू वांट टू प्ले बॉल। वह जीतना चाहती है, तो सी वांट्स टू विन।
अब चाहती है ये मेन वर्ब था तो मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका अनुवाद कर दिए, और जीतना तो वर्ब के पहले टू लगाकर इंफिनिट में बदल दिए। तुम काम करना चाहते हो, यू वांट टू वर्क। यहाँ पे मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है चाहते हो, तो इसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर दिए, और काम करना तो वर्ब के पहले टू लगा के साधारण वर्ब में इसे बदल दिए। मैं दूध पीना पसंद करता हूँ। अब पसंद करता हूँ ये मेन वर्ब है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे आई पसंद करता हूँ लाइक, दूध पीना टू ड्रिंक मिल्क। यहाँ पे मेन वर्ब का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर दिए, और अन्य वर्ब के साथ टू लगाकर उसे साधारण क्रिया यानी कि इंफिनिट में बदल दिए। वे लोग सोना चाहते हैं, दे चाहते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब यही है टू वांट। अब क्या चाहते हैं तो सोना चाहते हैं टू स्लीप। अच्छे विद्यार्थी शिक्षक को आदर देने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अच्छे विद्यार्थी यानी सब्जेक्ट लिख लेंगे गुड स्टूडेंट्स। अब कोशिश करते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब है कोशिश करते हैं, तो गुड स्टूडेंट्स ट्राई। अच्छे विद्यार्थी कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं शिक्षक को आदर देने की, यहाँ पर आदर देने की सेकेंड वर्ब है, इसके पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव में बदल देंगे, तो गुड स्टूडेंट्स ट्राई टू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट शिक्षक को, द टीचर। मैं पुस्तक खरीदने बाजार जाता हूँ। अब बाजार जाता हूँ ये मुख्य क्रिया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे आई। अब बाजार जाता हूँ तो गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट किसके लिए, तो पुस्तक खरीदने के लिए, टू बाय द बुक। वह तंग करने आती है। अब आती है तो ये मेन वर्ब है, तो इसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर लेंगे, वह आती है सी कम्स। अब तंग करने, तो ये तंग करने सेकेंड वर्ब है, तो इसके पहले हम टू लगाकर इंफिनिटिव में बदल देंगे, तो सी कम्स टू भैक्स। वह तंग करने आती है, सी कम्स टू भैक्स। वह नहीं पढ़ना चाहता है। अब चाहता है मेन वर्ब है, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद कर लेंगे, तो ही डज नॉट वांट। वह नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट क्या नहीं चाहता है, तो पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसके पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू रीड। वह पढ़ना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट टू रीड। तुम मछली पकड़ना पसंद नहीं करते हो, यू डू नॉट लाइक। यहाँ पे देखना है कि पसंद नहीं करते हो ये मेन वर्ब है, तो तुम मछली पकड़ना पसंद नहीं करते हो, तो सबसे पहले तुम पसंद नहीं करते हो, यू डू नॉट लाइक क्या नहीं पसंद करते हो, मछली पकड़ना ये सेकेंड वर्ब है, तो टू लगाकर इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू कैच द फिश। वह परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं करती है, यहाँ पे कोशिश नहीं करती है
ये मेन वर्ब है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे सी। अब कोशिश नहीं करती है तो डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती है परीक्षा पास करने की, तो टू लगा देना है। और उसके बाद परीक्षा पास करना का क्या होता है, तो पास द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं करती है, सी डज नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन। क्या तुम हंसना चाहते हो, तो चाहते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है कि क्या तुम, इंट्रोगेटिव हो गया तो पहले डू लगा देंगे, डू यू, क्या तुम चाहते हो, तो डू यू वॉन्ट, क्या तुम हंसना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू लाफ। क्या तुम खाना चाहते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले डू लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, तो डू यू, क्या तुम चाहते हो, डू यू वॉन्ट। अब खाना यहाँ पे सेकेंड वर्ब के पहले टू लगा के इसको इन्फिनिटिव बना देना है, डू यू वॉन्ट टू ईट, क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ईट। क्या वह सोना चाहती है, यहाँ पे सेकेंड वर्ब ये सोना हो गया और मेन वर्ब चाहती है, तो पहले यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सी, तो इसके पहले डज लगा देंगे, डज सी। क्या वह चाहती है, डज सी वॉन्ट। अब क्या, तो सोना, क्या वह सोना चाहती है, डज सी वॉन्ट टू स्लीप। अब है क्या राम मैच जीतना चाहता है, तो सबसे पहले राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके पहले डज लगा देना है, तो डज। अब राम सब्जेक्ट लिख दिए, अब क्या राम मैच जीतना चाहता है, मेन वर्ब क्या है, चाहता है, तो डज राम वॉन्ट। अब इसके बाद टू लगा देना है, क्योंकि मैच जीतना, ये जो मैच जीतना है ये सेकेंड वर्ब है, और सेकेंड वर्ब में टू लगा के इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, टू विन द मैच। क्या राम मैच जीतना चाहता है, तो डज राम वॉन्ट टू विन द मैच। अब है क्या वे लोग मुझे पीटना चाहते हैं, तो सबसे पहले वे लोग क्या है, वे लोग के पहले डू का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू दे, क्या वे लोग। अब चाहते हैं, तो यहां पे चाहते हैं मेन वर्ब है, तो डू दे वॉन्ट टू बीट मी। क्या वे लोग मुझे पीटना चाहते हैं, डू दे वॉन्ट टू बीट मी, क्योंकि पीटना चाहते हैं, मुझे पीटना, यहाँ पे पीटना जो है सो सेकेंड वर्ब है, इसलिए इसमें टू लगा के इन्फिनिटिव में बदल दिए। अब है क्या, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक तो इंट्रोगेटिव है, ऊपर से इसमें निगेटिव मिक्स है, तो सबसे पहले, उसके बाद वह क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो डज से शुरू करेंगे, डज ही नोट, क्या वह नहीं करना चाहता है, ठीक है, डज ही नोट वॉन्ट। अब मदद, तो टू हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता है, डज ही नोट वॉन्ट टू हेल्प यू। सबसे पहली बात क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए व्हाट से बनाना शुरू करेंगे, व्हाट डू यू। अब यहाँ पे देखना है
कि चाहते हो, ये मेन वर्ब है, तो व्हाट डू यू वांट। अब है करना, करना का इंग्लिश होता है डू, और इसे इन्फिनिटिव बनाने के लिए पहले डू लगा देंगे, तो डू डू। तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। सीता कब आना चाहती है, तो सब्जेक्ट के बाद कब है, तो पहले व्हेन लिख लेंगे, व्हेन। अब सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें डज का प्रयोग हो जाएगा, व्हेन डज। अब सब्जेक्ट आ जाएगा सीता। अब सीता कब आना चाहती है, तो चाहती है मेन वर्ब है, तो व्हेन डज सीता वांट। अब आना, यहाँ पे आना यानी कि कम, कम के पहले टू लगा के इन्फिनिटिव में बदल देना, टू कम। सीता कब आना चाहती है, व्हेन डज सीता वांट टू कम। तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो सबसे पहले कि यहाँ पे क्यों, तो व्हाई। अब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू। तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो, व्हाट डू यू नोट। अब चाहते हो मेन वर्ब है, तो वांट। अब जाना, इसके पहले टू लगा के इन्फिनिटिव में बदल देना है, व्हाई डू यू नॉट वांट टू गो देयर। तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो, व्हाई डू यू नॉट वांट टू गो देयर। राम क्या पढ़ना चाहता है, सब्जेक्ट के पहले क्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए व्हाट पहले लिख लेंगे, व्हाट। राम क्या पढ़ना चाहता है, व्हाट। अब राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो व्हाट के बाद डज का प्रयोग करेंगे, व्हाट डज राम, व्हाट डज राम। अब यहाँ पे चाहता है मेन वर्ब तो यही है, तो व्हाट डज राम वांट। अब पढ़ना, तो यहाँ पढ़ना को इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगा के लिख देना है, राम क्या पढ़ना चाहता है, व्हाट डज राम वांट टू रीड। अब ये जो यहाँ पे है, तुम अपने दोस्त के प्यार को जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते, ट्रांसलेशन कितना बड़ा है, लेकिन इसका अनुवाद बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली बात कि जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, यहाँ पे मेन वर्ब है कोशिश क्यों नहीं करते, और जीतने की ये दूसरी क्रिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो क्यों लगाया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाई लिख देंगे, ठीक है। अब तुम, तो यू होगा, तो यू के साथ तो एस या एस का प्रयोग तो हम करते नहीं है, इसलिए वाई के बाद डू लगा देना है, डू के बाद सब्जेक्ट दे देना है, तो यू लिख देंगे, व्हाई डू यू, उसके बाद नहीं है तो नोट, व्हाई डू यू नोट। अब कोशिश, कोशिश का क्या होता है, ट्राई, तो व्हाई डू यू नोट ट्राई। अब क्या, जीतने की, तो हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ब को इनफिनिटिव में बदलने के लिए टू लगाते हैं, टू विन। अब क्या जीतने की, तो अपने दोस्त के प्यार को, द लव ऑफ योर फ्रेंड। तुम अपने दोस्त के प्यार को जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते, व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू विन द लव ऑफ योर फ्रेंड। तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो व्हाई लिख लेना है, व्हाई। अब तुम्हारे बच्चे प्लुरल नंबर है, एक से अधिक है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग करेंगे, व्हाई डू। अब सब्जेक्ट, तो योर चिल्ड्रेन, योर, व्हाई डू योर चिल्ड्रेन। अब नहीं लगा हुआ है तो नोट लिख देना है। अब यहाँ पे दो वर्ब है, एक है जाना और दूसरा है चाहते,
चाहते हैं मेन वर्ब है, इसलिए इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, तो वांट यहाँ पे लिख देते हैं वांट। अब जाना इसको वर्ब के पहले टू लगा के इंफिनिटिव में बदल देना है, तो टू गो, तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, व्हाई डू योर चिल्ड्रेन नॉट वांट टू गो टू स्कूल। तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो, तो सबसे पहले व्हाई लिख लेना है, व्हाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, चाहते हो वांट। अब करना यहाँ पे ये सेकेंड वर्ब है, तो इसके पहले टू लगा के इन्फिनिटिव में बदल देना है, टू डू, ऐसा ऐसा का इंग्लिश यहाँ पे लिख देना है। सो तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू डू सो, वह कैसे तुम्हारी मदद करना चाहता है, तो सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिख लेंगे हाउ, उसके बाद वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें डज का प्रयोग कर देंगे, हाउ डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, अब चाहता है तो वांट, वह कैसे तुम्हारी मदद करना चाहता है, हाउ डज ही वांट, अब मदद करना इसके पहले टू लगा के इन्फिनिटिव में बदल देना है, टू हेल्प, तुम्हारी यू, वह कैसे तुम्हारी मदद करना चाहता है, हाउ डज ही वांट टू हेल्प यू। राम और श्याम कहाँ ठहरना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहाँ का इंग्लिश लिख लेना है, वेयर, उसके बाद डू, क्योंकि राम और श्याम प्लूरल नंबर है, अब सब्जेक्ट राम एंड श्याम, राम और श्याम कहाँ ठहरना चाहते हैं, वेयर डू राम एंड श्याम, अब ठहरना भी एक वर्ब है और चाहते हैं भी एक वर्ब है, लेकिन चाहते हैं मेन वर्ब है इसलिए पहले वांट लिख देंगे, अब ठहरना के पहले टू लगा के इन्फिनिटिव में बदल देना है, राम और श्याम कहाँ ठहरना चाहते हैं, वेयर डू राम एंड श्याम वांट टू स्टे।